पुतिन और किम जोंग की नजदीकियां हो रही हैं और पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से पहले दक्षिण कोरिया का एक्शन देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया की ड्रोन एक्सरसाइज हुई है। दक्षिण कोरिया की ड्रिल में 80 ड्रोन शामिल है। दक्षिण कोरिया ने ड्रोन आर्मी अपनी दिखाई है। पुतिन का जल्द उत्तर कोरिया दौरा होने वाला है और पुतिन के दौरे से पहले ये जो वॉर एक्सरसाइज है वो दक्षिण कोरिया की तरफ से की जा रही है, यानी अपनी ताकत को उधार दिया जा रहा है दक्षिण कोरिया की तरफ से। ये तस्वीर आप देखिए, एक साथ कई ड्रोन आपको दिखाई दे रहे हैं, 80 ड्रोन है ये बताया जा रहा है, एक साथ उड़ान भरी है और एक साथ इस आर्मी के जरिए अटैक कहीं भी किया जा सकता है। ये ड्रोन की ड्रिल है, 80 ड्रोन एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अलग तस्वीर है ये जो कि वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जल्द ही उत्तर कोरिया जाएंगे पुतिन। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये महत्वपूर्ण बयान, उत्तर कोरिया से पुतिन को न्योता मिला है। पुतिन की यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, पेस्कोव की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच ये अहम दौरा है। तो उत्तर कोरिया के साथ जो पुतिन की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से रंग लाती है वो सवाल है। और आपको बताते, मुलाकात होने वाली है, बहुत अहम मुलाकात पुतिन और किम की। युद्ध भूमि में क्या महाविनाश तय है? सितंबर 2023 में आपको याद होगा मुलाकात हुई थी रूस में, पुतिन और किम की मुलाकात हुई थी। अब सितंबर 2023 के बाद अब जल्द ही 2024 में भी 9 महीने बाद फिर पुतिन और किम मिलने वाले हैं। और संकेत अहम है, दोनों के बीच सीक्रेट हथियारों की डील 2023 में हुई थी। तो जंग के बीच पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा अहम है। क्या डील होती है देखने वाली बात होगी उत्तर कोरिया के साथ, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने भी अपनी ताकत दिखाई है। यात्रा की तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है दोनों मुल्कों की तरफ से। रूस और उत्तर कोरिया में यात्रा की तैयारी चल रही है। रूस भी तैयारी कर रहा है पुतिन के लिए और किम जोंग भी स्वागत के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध में रूस के पास हथियारों की कमी है, जरूरी बात क्या है इस पूरी मुलाकात के पीछे? नॉर्थ कोरिया से पहले भी रूस को हथियार मिले हैं, लेकिन अहम होगा अगर सौदा होता है तो क्या पुतिन किम के साथ हथियारों की डील करेंगे? ये डील कौन सी होगी और डील कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं, पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है किम जोंग। और इसके लिए किम को विध्वंस मचाने वाली इन मिसाइलों से भी ज्यादा घातक हथियार चाहिए। पूरी दुनिया को चंद मिनटों में भस्म कर देने की ताकत चाहिए। किम चाहता है कि जब भी दुनिया में एटम बम की गिनती हो, नॉर्थ कोरिया का नाम सबसे ऊपर हो। एटम बमों की गिनती में रूस और अमेरिका पीछे छूट जाए। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि किम अपने सपने को सच करने के लिए जी जान से जुटा है। सैटेलाइट इमेज से साबित हुआ है कि नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रोडक्शन कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में लगातार काम चल रहा है। योंगब्योन में यूरेनियम संवर्धन का प्लांट है। हाई रेजोल्यूशन एंड थर्मल इंफ्रारेड वाली तस्वीरों से पता चला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले कूलेंट को पोरयोंग नदी में बहाया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि यहां का न्यूक्लियर प्लांट लगातार काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को जितनी ताकतवर मिसाइलें बनानी थी वो बना चुका है और किम जोंग उसका प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन अब किम जोंग उन मिसाइलों को और घातक बनाने का काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल वेपन्स बनाने पर काम कर रहा है। किम जोंग अपने मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल KN-23 और KN-24 को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करना आसान है, लेकिन अगर किम अपनी क्रूज मिसाइलों को भी एटमी पावर देना चाहता है तो उसे नए सिरे से प्रयोग करना होगा।
कोरिया ने 2021 में अपने 5 साल के हथियारों के विकास का रोड मैप तैयार किया था। माना जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक सीरियल न्यूक्लियर टेस्ट करके उसी प्लान को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।